हर डर के बारे में निखर नहीं रही हूँ। खीरा और जो चना रहता है हमारे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये है नानी का साग, ये छोटे छोटे पत्तेदार साग रहती है। जैसे कि आज जीतिया का पारण है ना, तो आज की दिन हमारे यहाँ पे रंग बिरंगी हरी हरी सब्जियाँ खूब सारी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बज गया है और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और आज है पारण का दिन, जीतिया का पारण। आज के दिन ही हम लोग व्रत खोलेंगे। कल तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं और कल मैंने कुछ ब्लॉग भी शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था कुछ। और यहाँ पर देखिए 4 बजे उठ के सबसे पहले मैंने पूरा किचन यहाँ पर देखिए, रात में तो साफ़ सुथरा ही था लेकिन मैंने अभी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर खाना बनाऊँगी। किचन को मैंने पूरा धो दिया है, ये देखिए पूरा धो दिया है। और झाड़ू मेरा हो गया है, बस पोछा लगा के मुझे नहाना है। अभी देखिए पूरा रात है, बस 4:45 हो ही गया है, 5 बजने वाला है, लेकिन वो बारिश हो रही है ना, इसी वजह से लगता है आज देर से। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे बाहर जाना है, बाहर अंधेरा है, डर के मारे मैं निकल नहीं रही हूँ, अंधेरा में मुझे डर लगता है। तो बस अभी जा रही हूँ, ताला लॉक ये खोल दूँगी और बाहर का मैं अंदर का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी हो गई है सुबह। ये देखिए सुबह हो गई है, नहाते धोते करते हो ही जाता है। और बस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और जैसे कि आज जीतिया का पारण है ना, तो आज के दिन हमारे यहाँ पे रंग बिरंगी हरी हरी सब्जियाँ खूब सारी बनती है, तो बस मैं वही जा रही हूँ बनाने के लिए। और रात में वेजिटेबल मेरे हस्बैंड ने कट कर दिया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं कर रही थी अपने काम क्योंकि सुबह हो गई थी, तो मुझे भी जल्दी ही काम करना था क्योंकि जल्दी जितना जल्दी मैं करूँगी उतना ही जल्दी फिर मैं अपना व्रत खोल पाऊँगी। और जैसे कि खाना इसमें बनाने का जो है ना नियम, वो तो मैं हर साल आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ और आप सबको तो पता ही होगा। और अगर आप झारखंड बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप सब जीतिया का महत्व पता होगा कैसे ये किया जाता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। लेकिन सबसे पहले मैंने देखिए इधर चावल बनने के लिए रख दिया है और इधर दाल बनने के लिए रख दिया है। और ये देखिए मैं कल 10 रुपए की मूंग दाल ही मंगवा के रख ली थी क्योंकि हम लोग डेली यूज में अरहर की दाल खाते हैं, लेकिन आज के पारण के दिन ना हम लोग मूंग की दाल बनाते हैं घर में और उसी को खाते हैं। तो ये देखिए मूंग की दाल है, अभी मैं इसी को ही बनाऊंगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है सब्जियाँ, ये वाली सब्जी, इतनी सब्जी अभी मैं बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नौनी का साग, ये छोटे छोटे पत्तेदार साग रहती है। और ये है कच्चे केले, तो कच्चे केले भी बनेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सब्जियाँ मैं बना रही। कहते हैं 9 सब्जियाँ बनानी चाहिए। ये है सबसे पहले ये अरबी है और ये कंदा है, ये वाले और ये वाले ऑल है। ये देखिए ऑल, कंदा और ये अरबी, तीनों को मिक्स करके बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये कोहड़ा है और ये आलू और ये सतपुतिया, ये सतपुतिया आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आज के दिन बनाना। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये जो मूंग की दाल है इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसको डाल दूँगी कुकर में। और उसके बाद देखिए इसमें वही नमक हल्दी डाल दूँगी और एक टमाटर भी कट करके मैं इसमें डाल देती हूँ। ये अपना बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें बस लास्ट में छौंका लगा दूँगी। मूंग की दाल तो आप सब जानते हो कितना जल्दी ही बन जाता है, इसमें जी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। उसके बाद देखें यहाँ पर मैं कढ़ाई में सबसे पहले ना ये जो तीन चीज़ थी ना, ऑल और कंदा और अरबी, इसको ना मैं तेल में डालकर इसको मैं भून लूँगी, ये थोड़ा जब सुनहरा कलर आने तक। उसके बाद यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ और आटा मैं लगा रही हूँ इस अगारो के स्टैंड मिक्सर में, इसमें बहुत जल्दी आटा लग जाता है और बस डेढ़ दो मिनट लगता है और आटा बिल्कुल सॉफ्ट मुझे मिल जाता है। तो बस इसी में ही मैं डेली अपना आटा लगाती हूँ। और ये अगारो का स्टैंड मिक्सर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, ये आराम से आपको अमेजोन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है ना, मैं इसको भून रही थी, साथ साथ में इधर मैं केले के छिलके को छील रही हूँ, इसको मैं
इसे मसाला वगैरह डालकर इसका मैं एक भुजिया टाइप का बनाऊंगी। और केला भी आज के दिन ही बनता है और अच्छा भी लगता है। और ये देखिए यहाँ पर ये सुनहरा कलर आने तक मैंने भून लिया था, उसके बाद इसको मैंने एक थाली में निकाल लिया है। और इसी कढ़ाई में मैंने तेल, जीरा, सरसों का ये तड़का लगाकर इसमें जो सब्जी थी वो सब मैंने डाल दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो केला था इसको मैंने छील के धोकर इसको गोल गोल पीसेस में कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद इसमें मैं कुछ मसाले, जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला और ये सब मैं इसमें डालकर और इसको बस मिला के हाथों से मैंने रख दिया है। थोड़ी देर के लिए रखा है इसको इसी तरह। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी छत के ऊपर। छत के ऊपर मैं ना साग लेने के लिए आई हूँ, पोई के साग आज के दिन बनता है, तो जो नोनी का साग था ना उसी में मैं इस साग को मिक्स करके और मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं आई थी ना तो कुछ मुझे लॉन्ग बीन्स भी दिखे थे, इनको तोड़ना ज़रूरी होता रहता है, नहीं तो एक दो दिन में ही फिर ये बेकार हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये साग भी तोड़ लिया है। फ्रेंड्स, मैंने ना कुछ दिन पहले आप सभी को छोटा सा खीरा दिखाया था ना, अभी वो बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। मैं ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो खीरा था ना ये कितना छोटा सा था, देखिए अब कितना बड़ा हो गया है, पर ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता ना तो आज के दिन मैं पूजा कर लेती इसका, मतलब कि आज के दिन खीरा और जो चना रहता है हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना सुंदर सा है, पर छोटा है, अभी खाने लायक नहीं हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे तो मेरा खाना लगभग बन ही गया है, बस साग ही बनाना है। फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद देखिए इस केले में जो भी मैंने मसाले डाले थे अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए थे। अब मैंने करीब 10-15 मिनट इसको ऐसे ही ढक के छोड़ दी थी। और ये इसको ना तेल थोड़ा ज़्यादा डाल के इसको मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी और मसालेदार बनते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ना, ये जो मैंने भुना हुआ है ऑल कंदा और अरबी, उसके लिए मसाला भून रही हूँ, और इसी कुकर में फिर मैं उस सब्जी को बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर देखिए इस भुने हुए सब्जी को भी इसमें मैं डाल दूँगी। और आज के दिन ना जो भी सब्जी मैं बनाती हूँ या फिर हम लोग बनाते हैं, इसमें चना और मटर एक एक मुट्ठा डाल देना होता है सारे सब्जियों में, इसका बड़ा ही महत्व है। आजकल आज के दिन का ना, पारण के दिन का चना का बहुत ज़्यादा महत्व है, और बहुत अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के करते हैं, लेकिन चना तो होता ही होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ खीरा और ये चना मटर है, इसको मैं एक थाली में अच्छे से कट करके रख ले रही हूँ गोल गोल पीसेस में। ये बस मेरा खाना पीना हो ही गया था, तो मुझे अब खाना वगैरह मैंने ये जो दोने होते हैं इसमें निकाल कर और छत के ऊपर आ गई हूँ। छत के ऊपर इसमें एक कथा होता है, बहुत सारा कथा रहता है, लेकिन ये चील और सियारिन के ऊपर ही ये आधारित रहता है। ये बहुत बड़ा कथा है जो कि सबको ही पता होगा। तो नीचे मुझे जैसे मैं पूजा करती हूँ हर साल की तरह, वैसा मैं करके आ गई थी। फिर मैं बाद में देखिए यहाँ पे चील के लिए मैंने खाना रखा है और चना और खीरा, और यहाँ पे बस उनको मैंने प्रणाम कर लिया है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप मेरा पिछले का वीडियो भी देखे होंगे, और इसमें बहुत मेरी मान्यता है। मैंने पूजा कर लिया है जीतिया का, जैसे ही मैं करती हूँ, और मैंने बच्चों का भी टीका और जीतिया मैंने पहना दिया है, मैंने भी जीतिया अपना पहन लिया है। और बस अभी सारे द्वार पे मैं जा रही हूँ टीका खींचने, और मैंने चील सियारिन को भी जो भी खाना चना और खीरा दिया जाता है वो भी मैंने दे दिया है। और बस थोड़ी बहुत और मुझे इसमें जो जो चीज़ें मैं करती हूँ वो मैं कर लेती हूँ पूरा, और उसके बाद फिर मैं अपना पारण करूंगी, खाना खाऊंगी। और जो भी दान दक्षिणा का है वो चीज़ भी मैंने छू के साइड में रख दिया है, पंडित जी को फिर मेरे हस्बैंड देकर आ जाएंगे। ऊपर मैंने चील के लिए रखा है, और नीचे देखिए मैंने सियारिन के लिए खाना रख दिया है। और अभी मैं सारे द्वार पर द्वार जगा के और सारे द्वार पर खीरा और चना हम लोग रखते हैं, मेरा पूजा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपना हम लोग कच्चे दूध से चने को निगलते हैं, छोटे साइज का ही चना मैं लेती हूँ,
और फिर हम लोग निकल जाते हैं। फिर हम लोग का ये व्रत अब जाके ख़त्म होता है। लेकिन इस बार इतना अच्छा मौसम किया है ना, लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, एकदम लग नहीं रहा है। और तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपने मेन जो द्वार होता है, जो हमारा घर का मेन दरवाज़ा रहता है, वहाँ इसको ऐसे हम लोग रखते हैं। और पता है फ्रेंड्स, ये पूजा ना बहुत लंबा चलता है, पूरा दिन 24 घंटा निर्जल व्रत रहता है। लेकिन भगवान ने इस साल ऐसा चमत्कार किया ना कि लग ही नहीं रहा है कि मैंने एक मतलब पूरा दिन 24 घंटा तक कुछ खाई पी नहीं हूँ ऐसा। और मैंने तो इस बार सरगी भी नहीं खाने के लिए उठी थी, जो रात में जो खा के मैं सोई थी बस वही था। और बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा था। भगवान करे, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हर जीतिया पूजा में ना ऐसा ही मौसम कर दे और रात भर बारिश हो और जो भी व्रती महिला रहे उनको भूख प्यास बिल्कुल भी ना लगे। तो बस भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं कभी भी खड़े होकर खाना नहीं बना पाती थी, बैठ के बनाती थी, लेकिन इस साल मैं बनाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पारण का थाली। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।